हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक नॉवल डिस्कस करेंगे। नॉवल का नेम है द थाउजेंड फेसेस ऑफ नट। इसके ऑथर हैं गीता हरिहरन। आपका पेपर है इंडियन लिटरेचर या इंडियन राइटिंग्स। इसे इंडियन राइटिंग भी लिखा जाता है, इंडियन लिटरेचर भी, तो कंफ्यूज मत होना। यूनिट नंबर है 3। सो आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा नॉवल है। तो आपको पता ही है कि कंप्लीट वीडियो हमारी ऐप के ऊपर होता है, अमन पाठशाला के ऊपर, तो वहां पे आप देख सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा। अभी हम कुछ, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस नॉवल के बारे में, कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देख लो करेक्टर्स कौन है। देवी मेन करेक्टर है, सीता, मायम्मा, मायम्मा, फिर महेश और फिर गौरी, ये कुछ मेन करेक्टर है। देवी कौन है? सेंट्रल करेक्टर है, मेन आप कह लो लीड है, जो प्रोटैगनिस्ट है। सीता देवी की मदर है, और मायम्मा कौन है? द केयर टेकर एंड कुक, मतलब इनके घर में एक मेड की तरह है वो। महेश कौन है? देवीज अरेंज्ड हस्बैंड, देवी की जिसके साथ मैरिज होगी। गौरी कौन है? देवीज ग्रैंड मदर्स मेड, देवी की जो ग्रैंड मदर थी ना, उसकी मेड थी गौरी। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं के अराउंड सराउंड पूरा जो स्टोरी है रिवॉल्व करेगी। मैं आपको पहले ना वन लाइनर बता देता हूँ। तो देखो, वन लाइनर ये है कि देवी है, जो देवी एक करेक्टर है, तो ये पहले इंडिया में रहती है, ये पहले इंडिया में रहती है। इनकी जो आप कह लो ग्रैंड मदर है, मदर है, इन्हें बहुत सारी स्टोरी सुनाती है, स्टोरी सुनाती है, स्टोरीज इन्हें सुनाई जाती है। और वो स्टोरी महाभारत के बारे में है, रामायण के बारे में है, उस टाइम पीरियड के बारे में है। और ये उन टाइम पीरियड्स में से पता कौन सी स्टोरीज सुनाई जाती हैं इन्हें? तो वो स्टोरीज जो कि वीमेन सेंट्रिक है, जो कि वीमेन के राइट्स की बात करती है, या वो स्टोरीज जहां पे वीमेन ने स्ट्रगल किया था। तो ये फेमिनिस्ट बेस्ड एक स्टोरी है, नॉवेल है। तो वीमेन ने जहां जहां स्ट्रगल किया हमारी हिस्ट्री में, वो स्टोरीज इन्होंने, देवी ने बचपन में सुनी। उसके बाद ये चली गई यूएस से, तो वहां पे आपको पता है कि एक और वो लिबरल कंट्री है, तो इन्होंने और ज्यादा चीजें सीखी। तो वापिस ये फिर से आती हैं इंडिया। तो अभी आप कह लो कि इनकी पर्सनैलिटी कैसे बन गई है, कि वही फेमिनिस्ट, कि विमेन के एम्पावरमेंट की बात करनी है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन वाली इनकी पर्सनैलिटी बन गई है। तो यहाँ पे आके इनकी मैरिज होती है महेश के साथ, लेकिन आपको पता है कि उस टाइम की सोसाइटी और एक इंडिपेंडेंट वुमेन, ये दोनों कोलाइड तो करेंगे, को एग्जिस्ट तो कर नहीं सकते, तो सोसाइटी ने रोकेगी। तो बहुत इनका आप कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उसके बाद ये अपनी मैरिज से खुश नहीं होती, तो फिर ये निकल जाती है। सो अभी इसी बीच में जब उन्हें बहुत सारी स्टोरी सुनाई गई, तो बहुत सारी स्टोरीज में गौरी की स्टोरी भी थी, जो उसी टाइम पीरियड की है, उनकी मदर की स्टोरी भी आएगी। जब देवी को स्टोरी सुनाई जाती है ना, तो देवी जो हिस्ट्री की स्टोरी सुनती है, कि महाभारत में किसी फीमेल करेक्टर की स्टोरी सुनी, तो उसी को वो रिलेट करती है अपनी मदर के साथ, उसी को रिलेट करती है वो गौरी के साथ, उसी को रिलेट करती है अपने साथ। ये वन लाइनर है, वन लाइनर भी बहुत लंबा हो गया, लेकिन आप समझ गए कि स्टोरी ये है। अभी आते हैं, शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले ये देख लो कि शॉर्ट समरी, बहुत शॉर्ट समरी में आपको बता दूं क्या है। द लाइव्स ऑफ थ्री वेमेन, देवी, सीता एंड मयम्मा, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई है, इन तीनों की लाइफ के बारे में कहानी है। देवी रेज इन अ ट्रेडिशनल ब्राह्मिन फैमिली, देवी जो कि एक ब्राह्मिन फैमिली से बिलोंग करती है, एसोसिएटेड है, ट्रेडिशनल ब्राह्मिन फैमिली है, यानी कि वो सारे रीति रिवाज मानने वाले लोग हैं। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर ग्रैंड मदर्स मिथिकल टेल्स, उनकी ग्रैंड मदर उसे बहुत सारी टेल्स, कहानियां सुनाती हैं। मिथिकल टेल्स का मतलब होता है कि वो हिस्ट्री की वो कहानी, देखो एक हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री है, एक माइथोलॉजी है, दोनों ही पुराने टाइम की कहानियां बताते हैं, हिस्ट्री भी माइथोलॉजी भी। लेकिन उस कहानी को हम हिस्ट्री कह देंगे जिसका हमें कोई ना कोई डेटा मिला हो, कोई ना कोई रिटन डॉक्यूमेंट मिला हो, उसे फिर हम कहानी हिस्ट्री मानते हैं। लेकिन ऐसी कहानी जिसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, जिसको हम साबित नहीं कर सकते, जिसका कोई प्रूफ नहीं मिलता, तो उसे फिर माइथोलॉजी कहा जाता है, और कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। विद विच सटली शेप हर परसेप्शन ऑफ वुमेनहुड, ये सारी स्टोरी सुन के ही उनकी वुमेनहुड के बारे में, कि विमेन की लाइफ कैसी है कैसी नहीं है, उसके बारे में उनका परसेप्शन बिल्ड होता है। शी परसूज स्टडी इन अमेरिका, अमेरिका जाके पढ़ती है, बट फील्स टॉर्न बिटवीन, दो चीजें उन्हें आपस में खींच रही हैं, क्या क्या? एल्यूर ऑफ फ्रीडम, देवी
एंड द पूल ऑफ हर होमलैंड, वहां की लाइफ जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है वो कहती है कि यहीं रहो, लेकिन अपने देश की अपनी मिट्टी की भूख तो सबको होती है ना। तो दो तरीके की उनके अंदर उस टाइम पे इच्छा थी, वो उसे टर्न करती है, बीच से तोड़ती है और वो वापिस इंडिया आ जाती है। अपॉन रिटर्निंग टू इंडिया, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन कंपेल देवी इनटू अनफुलफिलिंग मैरिज विद महेश, लीडिंग लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। अभी वहां पे जाके, यूएस में जाके, वो पुरानी टेल सुन के एक पर्सनैलिटी तो बन गई, एक अलग आइडेंटिटी तो बन गई अब मन के अंदर, लेकिन सोसाइटी थोड़ा ना चेंज हुई है। तो यहाँ पे आके सोसाइटी उन्हें कहती है कि तुम्हारी भाई इतनी उम्र हो गई, शादी करो। देवी को कहते हैं कि शादी करो, देवी कहते हैं कि नहीं, मैं तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। सोसाइटी कहती है कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो उनकी मैरिज हो जाती है महेश के साथ, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं चलती है। थ्रू अ स्टोरी टेलिंग टेक्निक दैट इंटरवीज डिफरेंट नैरेटिव, अलग अलग नैरेटिव, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टोरी आएगी। नॉवल पोर्ट्रे करती है देवी का स्ट्रगल फॉर पर्सनल आइडेंटिटी अमेस्ट सोसाइटल नॉर्म्स एंड पेट्रियार्कल प्रेशर्स। ठीक है, तो आपको बेसिक पता चल गया ना स्टोरी के बारे में। कंप्लीट वीडियो देखो अमन पाठशाला ऐप के ऊपर या वेबसाइट विजिट करो, लिंक मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। इंडियन राइटिंग, इंडियन लिटरेचर का पूरा कोर्स वहां पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, पूरी वीडियो नेक्स्ट पार्ट ऐप पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।